बोल के लब आजाद हैं तेरे, बोल जुबां अब तक तेरी है, तेरा सुतवा जिस्म है तेरा, बोल की जान अब तक तेरी है। फैज अहमद फैज की ऐसी पंक्तियों के जरिए हम हिम्मत जुटाया करते हैं, मगर राजेश जोशी की कविता उसके सामने चुनौती बनकर खड़ी हो जाएगी कि जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे, कटघरे में खड़े कर दिए जाएंगे, जो विरोध में बोलेंगे, जो सच सच बोलेंगे मारे जाएंगे। इन दोनों के बीच हम जी रहे होते हैं, हिम्मत कर रहे होते हैं लड़ने की, रीढ़ को बचाए रखने की, सच बोलने की, मगर इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। और आप सब जानते हैं कि इसकी कीमत हमने अपने सपने के उजाड़े जाने तक से चुकाई है। लगभग 14 साल पढ़ाने के बाद नौकरी छीन ली गई, हजारों लोगों ने इसका विरोध किया, हजारों लोगों ने फोन किया, मैसेज किया, हिम्मत दी, मगर अंत में क्या मिला? बेरोजगारी, सपनों के तोड़ दिए जाने का गम, एक परिंदे से उसका पिंजरा छीन लिया गया। मगर फिर भी इन सब के बीच कोई एक चीज मिले थी तो वो हिम्मत, हौसला और ताकत। ताकत इस बात की कि जब जरूरत पड़ी तो हजारों लोग साथ खड़े हुए, हिम्मत इस बात की कि हम सच के साथ हैं, हम न्याय के साथ हैं, हम इंसानियत के साथ हैं। और यह कारवां चलता रहा, फिर तय किया कि सोशल मीडिया पर अपनी बातें कहता रहूंगा, इसी के सहारे लिखने, पढ़ने और बोलने की जो अपनी काबिलियत, जो मेरी अपनी पूंजी है, इसके सहारे इस संघर्ष के कारवां को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि ये तो कोई नौकरी छीनने वाला मुझसे नहीं छीन सकता ना, मेरी भाषा, मेरा ज्ञान। एक फिल्म आपने देखी है, असुरन, उस फिल्म में धनुष एक शानदार बात अपने बेटे को समझा रहा होता है, और वो कह रहा होता है कि जमीन रहेगी तो कोई हड़प लेगा, धन संपत्ति रहेगी तो कोई छीन लेगा, कोई चोर चुरा ले जाएगा, मगर शिक्षा रहेगी तो न इसे कोई हड़प सकता है न चुरा सकता है। मिर्जा गालिब का एक शेर मुझे बार बार हिम्मत देता है कि घर में था क्या कि तेरा गम उसे गारत करता, वो जो रखते थे हम एक हसरते तामीर सो है। इसका मतलब यह है कि अगर घर में सब कुछ लूट जाए तो मैं सवाल करूंगा कि ऐसा क्या था मेरे घर में कि जिसके लूट जाने का, जिसके छीन लिए जाने का मैं गम करूं। वो जो रखते थे हम एक हसरते तामीर सो है, हम सृजन की, हम नया गढ़ने की, रचने की काबिलियत जो रखते थे, उस काबिलियत को तो कोई नहीं चुरा सकता। और इसलिए मैंने तय किया कि मैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसी बेबाकी और उसी अंदाज में सच और हक की बात करता रहूंगा। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरों के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। सोशल मीडिया पर हम क्या करते हैं, आईना लेकर ही तो बैठते हैं। अब इसमें किसी को अपने चेहरे का दाग नजर आने लगे तो हट जाए, आईना कैसे बदलेगा? आईने पर और अगर तफसील से पढ़ना है तो प्रोफेसर की डायरी पढ़िएगा, एक पूरा चैप्टर है आईने पर। लेकिन इस बीच में अनगिनत लोगों के प्रेम और अनगिनत लोगों के नफरत दोनों मिलती चली जा रही है। जितनी नफरत, गालियां, धमकियां मिलती हैं उससे ज्यादा मोहब्बत के पैगाम मिलते हैं, सराहना मिलती है, तो सब बैलेंस हो जाता है और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। मगर जब सोशल मीडिया के टूल आपसे छीनने की कोशिश हो जाए फिर क्या करेंगे? ये मैं आपसे साझा करने के लिए
बता रहा हूं। मेरे YouTube चैनल पर तो 9 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हो गए, वो चल रहा है, फिलहाल चल रहा है। ट्विटर पर भी लगभग 2.5 लाख होने वाले हैं जुड़े हुए लोगों की संख्या, वो भी चल रही है। फेसबुक पेज पर 5 लाख से ज्यादा लोग जुड़ गए थे और फेसबुक प्रोफाइल जो कि लगभग 15 साल पुरानी है उस पर तकरीबन 2 लाख लोगों का एक परिवार बन गया। एक सुबह मैं उठता हूं और देखता हूं कि मेरा फेसबुक पेज और फेसबुक प्रोफाइल बंद कर दिया गया है और उस पर एक नोटिफिकेशन आया है कि आपका यह अकाउंट बंद किया जाता है, आपके पास अपील करने का एक मौका है। किस वजह से बंद किया गया, कौन सा वायलेशन हुआ, कौन सा नियम टूटा, कुछ भी उसमें नहीं लिखा था, केवल सूचना थी कि यह 5 लाख से ज्यादा फॉलोअर वाला फेसबुक पेज सस्पेंड है और ये लगभग 2 लाख लोगों के परिवार वाला लगभग 15 साल पुराना फेसबुक प्रोफाइल सस्पेंड है। अपील के नाम पर क्या मौका मिला, अपना एक फोटो अपलोड करिए, अपना सेल्फी लेकर दीजिए। और जब ये दोनों काम मैंने कर दिया तो कहा कि सोच कर बताएंगे 48 घंटे बाद, और लगभग 48 घंटे पूरे होने जा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि अयोध्या पर एक वीडियो बनाकर मैंने फेसबुक पेज और प्रोफाइल दोनों पर लगा दी थी, वही वाली वीडियो जिसमें राम मंदिर यात्रा, आंदोलन, रथ यात्रा, राहुल गांधी का बयान, अवधेश प्रसाद, अखिलेश यादव, अयोध्या, बीजेपी हार, ये सब मिला करके बनाई थी। समझ तो गई होंगे आप, क्या ये बात नागवार गुजर गई तो बता तो देते, हम अयोध्या के गुणगान करते हुए 10 वीडियो बना देते। अगर केवल गुणगान ही सुनना है तो सोचते कि गुणगान कैसे किया जाएगा नॉन बायोलॉजिकल तरीके से, एक बार बता तो देते, इस बार तो इन्होंने कुछ बताया भी नहीं। ये हाल है सोशल मीडिया का। हमें नहीं पता कि वो फेसबुक पेज और प्रोफाइल वापस मिलेगी या नहीं। हमें नहीं पता कि हमारा YouTube चैनल जो लगभग 1 मिलियन होने जा रहा है कितने दिन तक सुरक्षित है। हमें नहीं पता कि हमारा Twitter कब तक चलेगा, लेकिन जब तक चलेगा तब तक तेवर तो यही रहेगा, ज्ञान की बातें ऐसे ही होती रहेंगी। यहां पाखंड और अंधविश्वास तो है नहीं, पर्ची बनती नहीं है, भीड़ में भगदड़ होती नहीं है, प्रसाद बंटता नहीं है, दान दक्षिणा का कोई माहौल नहीं है, लेकिन तथ्य व तर्क की बातें, प्रज्ञाशील करुणा की बात, समानता न्याय की बात, हक और सच की बात, वो तो रहेगी साहब, उसको आप कैसे बंद कर पाएंगे। लेकिन ये आपके लिए सोचने का विषय है। हमारा बोलना जिन्हें नहीं पसंद आता वो हमारी नौकरी छीनेंगे, फिर हमारा फेसबुक बंद कराएंगे, फिर एक दिन आएगा जब यूट्यूब बंद कराएंगे, फिर एक दिन आएगा जब सब कुछ बंद हो जाएगा, फिर एक दिन आएगा जब हमें भी बंद करने की कोशिश होगी। क्या करना चाहिए ऐसे वक्त में, आप भी सोचिए और मुझे भी बताइएगा। इंतजार रहे, तब तक अगर इस बात को उठा सकते हैं तो जरा आप भी मेरी तरफ से फेसबुक से पूछिए, सरकार से पूछिए कि हुजूर इतना भी क्या डरना, कारण तो बता देते, सोचिएगा और मुझे बताइएगा। शुक्रिया।